अस्सलाम वालेकुम ग्रेट नाइन्थ बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो है डायनामिक्स। ठीक है, अब डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स आपके पास मैकेनिक्स की ब्रांच होती है। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब आप लोगों ने काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ा था कि काइनेमैटिक्स ऐसी ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें सिर्फ आप मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, लेकिन डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में क्या डिफरेंस है कि डायनामिक्स में आप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसकी कॉज को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेंगे, हम वहाँ वहाँ पे उसका कॉज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स में। अब देखें, जैसा कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि बॉल इज़ टर्न्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन एज इट पुश्ड बाय द बैट्समैन। ठीक है, अब एक तो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं कि आपके पास जो बॉल है वो हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वो क्या कर रही है? मूव कर रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में। और साथ साथ हम उसका कॉज भी डिस्कस कर रहे हैं कि उसका कॉज क्या है हमारे पास। इसमें आपके पास बॉल के मूव करने का कॉज ये है कि उसको जो बैट्समैन है वो साथ साथ पुश कर रहा है। ठीक है, कि बैट्समैन जो है अपने बैट से फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल के ऊपर, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है जो आपकी बॉल है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट हमारे पास इस केस में क्या था, बॉल था, और बॉल की हमने मोशन डिस्कस की कि किस तरह से वो मूव कर रहा है, और साथ हमने उसका कॉज भी बताया उसका कॉज क्या है, क्योंकि बैट्समैन ने फोर्स अप्लाई की है इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि बॉल मूव की है। तो हमने क्या किया, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिस्कस कर लिया और उसका कॉज भी डिस्कस कर लिया। अच्छा बच्चों, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ठीक है, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम तीनों को हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स चैप्टर में, और वन बाय वन हम तीनों को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपके पास है फोर्स। अब फोर्स क्या है? फोर्स आपके पास, देखो, अगर आप कोई डोर है उसको आप पुश या पुल करने से क्या होता है कि आप ओपन कर लेते हो या क्लोज कर लेते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाएं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप शॉपिंग कार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और क्या होता है कि वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में जो आपकी शॉपिंग कार्ट होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होता है, इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे कहा है, जो हमने अभी बैट्समैन वाली एग्जांपल पढ़ी है, कि जिस डायरेक्शन में बैट्समैन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो एक फोर्स क्या क्या करती है, हमेशा सिर्फ बॉडी को मूव नहीं करवाती बल्कि बॉडी को स्टॉप भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको फिगर 3.4 में गिवन है कि एक गोल कीपर है, वो क्या कर रहा है कि एक मूविंग बॉल है, कि एक बॉल ऑलरेडी मूव कर रही थी, बॉल मोशन में थी। ठीक है, तो उस गोलकीपर ने क्या किया, गोलकीपर ने फोर्स अप्लाई करके उस बॉल को स्टॉप किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बॉल रेस्ट पोजीशन में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स से हम किसी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में, उसको मूव भी करवा सकते हैं, जैसा कि बॉल या अगर शॉपिंग कार्ट है। ठीक है, देखो शॉपिंग कार्ट क्या है, रेस्ट में थी, हमने जो फोर्स अप्लाई की तो मूव करना स्टार्ट हो गई, और जो गोलकीपर है उसने क्या किया कि एक बॉल जो मूव कर रही थी उसको फोर्स अप्लाई करके रेस्ट पे ले आया। ठीक है, तो इस तरह से अब आपके पास फोर्स क्या है, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, अब देखें कि फोर्स क्या करती है, मूव करवाती है, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजिशन में, और स्टॉप करती है अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है। ठीक है, तो फोर्स जो है क्या कर सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जो होता है बॉडी का वो चेंज करवा सकती है, कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो बॉडी आपकी उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल, थस अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। कि देखो, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो नाइफ के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप एक एप्पल को कट कर लेते हो। ठीक है, कि आप पुश करते हो नाइफ को एप्पल में, शार्प एज को, उससे क्या होता है कि आपके पास जो एप्पल होता है वो कट हो जाता है। तो एक फोर्स से क्या हुआ कि आप शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। कि पहले आपके पास वो एप्पल जो था वो एक पूरा एप्पल था, जब आपने उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ कि उसका शेप और साइज चेंज हो गया। ठीक है, तो आप फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग फोर्स से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, और
कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजिशन में उसको मूव करवा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम चेंज कर सकते हैं और शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं।